आपको लेके 12,500 रुपए से और आपको मेरे किसान साथियों 1,05,000 तक का मॉडल आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सर हमने बहुत ही लाइट वेट के साथ में ये बनाया हुआ है। मेरे किसान भाइयों इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही इजी है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपको डिलीवरी आपके नजदीकी ट्रांसपोर्ट तक फ्री रहने वाली है मेरे किसान भाइयों। ये सर हमारा 5.5 HP का 4 स्ट्रोक मॉडल है। ये विदाउट गियर ड्राइव है जिसको हम मैक्सिमम 2 फीट में चला सकते हैं। इसमें हमने इंजन की लाइफ को लंबा करने के लिए मेरे किसान साथियों के लिए 2 एयर क्लीनर दिए हुए हैं। ये सर जापानी तकनीक का माइक्रो वीडर है। मेरे किसान भाई गन्ना हुआ, कपास हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, कोई भी किसी भी प्रकार की खेती करता है उसमें मिट्टी चढ़ानी है या गुड़ाई करनी है। ये सर हमारा सेंटर रोटरी मॉडल है। 1 घंटे में मेरे किसान भाइयों 1 से 1.5 बीघा की जोताई कर देता है। इसमें आप ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है जो नहीं लगा सकते। इसमें भी आप 32 से 35 प्रकार के अटैचमेंट चला सकते हो। स्प्रे पंप, वाटर पंप, रीपर, सीट, ट्रॉली, प्लाव, बेड मेकर, ढोल मेकर, जो भी आपको लगाना जो लगा सकते हो। हमारे किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है ये 7.5 HP का सेल्फ स्टार्ट का मॉडल है हमारा। हमारे किसान भाई कहते हैं कि सर कैसे रीपर चलेगा, इसमें रीपर चलना आसान है क्या? सर हमारा अगला मॉडल आ जाता है 3 व्हीलर मेड इन इंडियन टायर के साथ में। 8 HP का ये पावर टिलर आ जाता है जो कि सेल्फ स्टार्ट प्लस लाइट के साथ में। ये सर हमारा आ जाता है 9 HP का मॉडल। ये भी हमारे किसान भाइयों के लिए 3 व्हीलर में चाहे काली मिट्टी हो, चाहे आपकी पथरीली मिट्टी हो, चाहे आपकी चिकनी मिट्टी हो, चाहे दोमट मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, सारी मिट्टी में चलने वाला है। अब तक मैंने आपको पेट्रोल मॉडल आपको दिखाया मेरे किसान साथियों। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो डीजल वेरिएंट आपको दिखाने वाला हूँ। ये 12 HP में आपको मिल जाता है। इसमें मेरे किसान साथियों आपको 12 HP का कामा इंजन, डीजल इंजन आपको मिल जाता है। किसान साथियों यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेकर आप पूरे नजर घुमाते यहाँ पर चलिए किसान साथियों, एक से बढ़कर एक यहाँ पर जो है आपको पावर टिलर देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो रेंज में चाहिए किसान साथियों, जितने प्राइस तक चाहिए आपको उस टाइप का जो पावर टिलर है वह मिल जाएगा, रीपर मिल जाएगा, जो चाहिए जो आपके खेतों में आवश्यकता है उस तरीके का जो टिलर है वह यहाँ पर एक से बढ़कर एक वो भी आपके रेंज के हिसाब से मिल जाएगा किसान साथियों। तो यहाँ पर हमारे जो ऑनर है वह जुड़ने वाले हैं जो कि सभी जो पावर टिलर है उसके बारे में एक एक करके हमको डिटेल में जानकारी देने वाला है। तो यह वीडियो, इस तरीके का वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मॉडल आपको जो पावर टिलर देखने को मिल जाता है वह सब पावर टिलर हम आज आपके लिए सिर्फ एक ही फ्रेम पर एक ही वीडियो में आज की स्टूडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे और चैनल पर नए तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना और अपना कंपनी का आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे सभी। सर मेरा नाम है पुष्पेंद्र और हमारी कंपनी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री जो कि नियर बाई कृषि उपज मंडी नदवई भरतपुर राजस्थान के अंदर है। और सभी मेरे किसान साथियों को नमस्कार, राम राम। और हमारे भाई जी जो इतनी दूर से चल के आए रायपुर से, आपका तहे दिल से किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है सर। जी जी सर, जैसे कि हम इतने सारे जो वेरिएंट देख पा रहे हैं सर, तो ये किस तरीके से आप इतना सारा मतलब हर तरह का जो टिलर है वहां पर देखने को मिल जा रहा है सर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए हमारे किसान भाइयों का ये तो प्यार है, हम लगातार हमारे किसान भाइयों के लिए नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम किसान भाई को एक ही छत के नीचे कम से कम 50 वैरायटी उपलब्ध कराएं। तो धीरे धीरे हमारा टारगेट है इस साल में मेरे किसान भाई को 50 से प्लस हम जो है पावर टिलर के मॉडल जो है मेरे किसान भाई को उपलब्ध कराएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको लेके 12,500 रुपए से और आपको मेरे किसान साथियों 1,05,000 तक का मॉडल आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जो आपके खेतीबाड़ी के सारे काम करने वाले, चाहे आपकी जुताई हो, चाहे आपको धान में कीचड़ करनी है, चाहे आपको गन्ना कपास और सब्जी की खेती में आपको गुड़ाई करनी है, चाहे आपको पेट्रोल मॉडल चाहिए, चाहे आपको डीजल मॉडल, सारे मॉडल एक छत के नीचे आपको आज दिखाने वाला हूं मेरे किसान साथियों। तो सर हमको ये जो छोटे वेरिएंट देख रहे हैं यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सर और एक एक कर सभी वेरिएंट हमको बताते हैं। ये सर हमने बहुत ही लाइट वेट के साथ में ये बनाया हुआ है मेरे किसान भाइयों, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही इजी है। मेरे किसान भाइयों जो मेरे किसान भाई कहते थे कि सर हमने मक्के की खेती की हुई है उसमें 13 इंच में इसको चलाना है, 12 इंच में चलाना है, तो मेरे किसान भाइयों के लिए 2 HP के जो है
टू स्ट्रोक इंजन के साथ में मेरे किसान भाइयों के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें मेरे किसान भाई को दो टायर पीछे मिल जाते हैं, आगे रोटावेटर मिल जाता है। इसमें मेरे किसान भाइयों 2 HP का आपको इंजन आपको मिल जाता है मेरे किसान साथियों। सर इसमें जो पेट्रोल है उसकी खपत कितनी होती है? 1 घंटे में मेरे किसान भाइयों मात्र 700 से 800 ग्राम ये पेट्रोल लेने वाला है और लगभग आपकी आधे बीघे से 1.5 बीघे तक की अपनी गुड़ाई ये कर देगा मेरे किसान साथियों जी। इसके बाद सर ये जो दूसरा टिलर दिख रहा है इसके बारे में बताइए। ये सर 3 HP का पावर टिलर है जो हमारे किसान भाई गन्ने की, कपास की या मेरे किसान भाई सब्जी की जैसे या फिर बागवानी की खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों के शिमला मिर्च हुई जैसे आपके कद्दू हुई बैड वाली जो खेती करते हैं उनके लिए हमने स्पेशली 1.5 फीट में ये चलने वाला पावर टिलर लॉन्च किया हुआ है जिसमें हमने बड़े बड़े इसमें जो है हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड दिए हुए जो काली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, पथरीली मिट्टी हो, पहाड़ी मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो मेरे किसान भाइयों किसान पावर का पावर टिलर रुकेगा नहीं, ये मेरा वादा है मेरे किसान साथियों। ये कितने फ्यूल खाता है सर? ये 1 घंटे में सर ये 1.5 फीट का एरिया कवर करता है, 1 से 1.5 बीघा की गुड़ाई कर देता है, 1 लीटर ये पेट्रोल लेता है मेरे किसान साथियों। इसमें 18 इंच का रोटावेटर लगा हुआ है हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड के साथ जी। पीछे 2 टायर और दे रखे हैं सर जी। इसमें टायर सर देखिए आपको अदर कंपनी के पावर टिलर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मार्केट में कोई कमी नहीं है लेकिन क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें हमने बैरिंग वाले टायर दिए हुए जिससे मेरा किसान साथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अभी तक टायर बंद नहीं हुआ है ये है किसान पावर की क्वालिटी आप देख सकते हो। अदर कंपनी का पावर टिलर का जो टायर होता है अब तक कब का रुक जाता जी जी। बहुत कमाल की चीज है सर ये। उसके बाद ये वाला वेरिएंट बताइए आप। ये सर हमारे किसान भाइयों के लिए हमने 4 HP 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में लॉन्च किया हुआ है जी। ये भी 1.5 फीट के एरिया में चलने वाला है, सब्जी वगैरह की खेती हुई, मक्का हुआ, कपास हुआ, आपका गन्ना हुआ, जहाँ भी आपको काम करना है, गुड़ाई करनी है, खरपतवार निकालनी है, चाहे आपको मिट्टी चढ़ानी है तो मेरे किसान साथियों आप सारे काम कर सकते हो। इसमें 3 प्रकार के अटैचमेंट लग जाते हैं, रोटावेटर तो लगेगा ही लगेगा, कल्टीवेटर, लेवलर और एक रिज्जर बोलते हैं या नागर बोलते हैं उसको जो मिट्टी चढ़ाने का, वो भी मेरे किसान भाई उसमें लग जाता है और आसानी से अपनी फसलों पे आपकी सब्जी की खेती है चाहे गन्ने की खेती है उसमें मिट्टी चढ़ा सकते हो मेरे किसान साथियों। फ्यूल कितना लेता है सर ये? इसके बारे में सर फ्यूल खपत की बात करूँ ये 4 स्ट्रोक इंजन है, मात्र और मात्र मेरे किसान साथियों ये 800 से 900 ग्राम जो है पर घंटे का फ्यूल खपत इसका रहता है जी। और पर घंटे में कितना एरिया मतलब ये 1 से 1.5 बीघा की गुड़ाई आसानी से कर देता है किसान साथियों जी जी। उसके बाद ये नेक्स्ट टिलर के बारे में बताइए। ये सर हमारा 5.5 HP का 4 स्ट्रोक मॉडल है जी, ये विदाउट गियर ड्राइव है जिसको हम मैक्सिमम 2 फीट में चला सकते हैं और कम से कम इसको 13 इंच में चला सकते हैं मेरे किसान साथियों। इसमें मेरे किसान भाइयों होंडा के कंपैरिजन में इंजन दिया हुआ है जो कि किसान पावर का 5.5 HP का एयर कूल्ड वाटर प्रूफ और गैसोलीन इंजन है मेरे किसान भाइयों। आप देख सकते हो हर एक प्रकार की इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो उम्दा दी हुई है। इसमें हमने इंजन की लाइफ को लंबा करने के लिए मेरे किसान साथियों के लिए 2 एयर क्लीनर दिए हुए हैं, एक नीचे मिल जाएगा एक आपको ऊपर मिल जाएगा। इसकी पेट्रोल खपत की बात करूं तो मात्र और मात्र 600 से 700 ग्राम पर घंटे फ्यूल खपत है सर इसकी जी जी। और काम की बात करूं तो 1 से 1.5 बीघा की गुड़ाई आसानी से कर देगा क्योंकि 2 फुट में भी चलेगा, 13 इंच में भी चलेगा और 1.5 फीट में भी चलेगा। ये टिलर जो है सर लगभग सेम ही लग रहा है, इसमें क्या अंतर है? इसमें ये 4 व्हील ड्राइव मॉडल है अभी हमने ये लॉन्च किया हुआ है, पिछली आपकी जो वीडियो आई थी उनमें लॉन्च किया हुआ है। इसमें मेरे किसान भाइयों को 4 पहिए साथ में मिलते हैं, 2 रोटावेटर साथ में मिलते हैं और इसमें गियर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, 2 फॉरवर्ड गियर आपको मिल जाते हैं। तो मेरे ये गियर ड्राइव मॉडल है जो कि 5.5 HP का है सर जी जी। ये कितना फ्यूल खाता है सर? ये सर वही 700 से 800 ग्राम फ्यूल लेता है 1 घंटे में सर जी। ये टिलर के बारे में बताइए सर, ये मतलब काफी यूनिक और ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। का माइक्रो वीडर है मेरे किसान भाई, गन्ना हुआ, कपास हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, कोई भी किसी भी प्रकार की खेती करता है उसमें मिट्टी चढ़ानी है या गुड़ाई करनी है तो उनके लिए हमने 7.5 हॉर्स पावर के इंजन के साथ में लॉन्च किया हुआ है। ये मिट्टी आगे फेंकता हुआ जाता है और खरपतवार को जो खरपतवार होती है उसको जड़ से खत्म करता जाता है। साथ के साथ मेरे किसान साथियों आपको यहाँ रिज्जर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है जो आप इसे मिट्टी चढ़ा सकते हो मेरे किसान साथियों। ये बेल्ट ड्राइव है, हैंडल इसका एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो एक क्लच के माध्यम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो।
ये क्लच दी हुई है, इससे मेरा किसान साथी एडजस्ट कर सकता है। तो एडजस्ट करना मतलब बहुत ही आसान है किसान साथी, और बहुत ही कमाल का, जैसा भी करना चाहता है मेरा किसान साथी कर सकता है। टायर भी इसमें सर ट्यूबलेस देखने को मिल रहा है, सर कोई पंचर वगैरह का कोई झंझट नहीं रहेगा मेरे किसान साथी। जी जी, तो सर उसके बाद ये अगला टिलर के बारे में बताइए सर। ये सर हमारा सेंटर रोटरी मॉडल है, जी जी। एक घंटे में मेरे किसान भाइयों एक से डेढ़ बीघा की जोताई कर देता है। जी जी। इसमें आप ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है जी जो जी। नहीं लगा सकते जी और जी। ऐसा कोई काम नहीं है किसान भाइयों जो नहीं कर सकते। जी जी। आपको जुताई करनी है जुताई कीजिए, बेड बनाना है बेड बनाइए, ट्रॉली लगानी है ट्रॉली लगाइए, सीट लगानी है सीट लगाइए, रीपर लगाना है रीपर लगाइए, गेहूं कटाई का सीजन आने वाला है, स्प्रे पंप लगाना है स्प्रे पंप लगाइए, वाटर पंप लगाइए, जनरेटर लगाइए। इसमें मेरे किसान साथियों आपको पीटीओ मिल जाता है, दो फॉरवर्ड गियर आपको मिल जाते हैं, एक रिवर्स गियर मिल जाता है, और ये एयर कूल्ड वाटर प्रूफ इंजन है। और आपके उधर धान की खेती होती है तो उस धान की खेती में ये कीचड़ भी मेरे किसान भाइयों आसानी से कर देता है। ट्रैक्टर का ऐसा कोई काम नहीं है, इतने सारे अटैचमेंट रखे हुए हैं, ये सारे अटैचमेंट इसमें मेरे किसान भाई लगा सकता है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सर, वो तो ट्रैक्टर के काम तो कर ही रहा है, मेरे को लग रहा है कि दो चार काम उससे एक्स्ट्रा ही कर रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। उसके बाद ये इसके बारे में बताइए सर। सर ये हमारा दो वेरिएंट में आता है ये मॉडल, ये मेरे किसान भाई को 4 फुट के रोटावेटर के साथ सिंपल मॉडल भी आता है बिना लाइट के, और एक मॉडल आता है हमारा लाइट का। तो मेरा किसान भाई लाइट के साथ में लेना चाहता है तो लाइट के साथ में ले सकता है, और यदि बिना लाइट के लेना चाहता है तो बिना लाइट के ले सकता है। इसमें मेरे किसान भाई को 4 फुट का रोटावेटर, आपको लाइट के साथ में 2 फॉरवर्ड गियर, एक अटैचमेंट मेरे किसान भाई को और हम लोग फ्री देते हैं, जिसमें भी आप 32 से 35 प्रकार के अटैचमेंट चला सकते हो, स्प्रे पंप वाटर पंप रीपर सीट ट्रॉली प्लाव बेड मेकर ढोल मेकर जो भी आपको लगाना जो लगा सकते हो। ये इसके बारे में बताइए सर, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर आपने रीपर फिट कर रखा सर, है। हमारे किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है जी, ये 7.5 HP का सेल्फ स्टार्ट का मॉडल है हमारा जी, जी। हमारे किसान भाई कहते हैं कि सर कैसे रीपर चलेगा, इसमें रीपर चलना आसान है क्या जी, ये मेरे किसान साथियों जी हाँ इसमें आप रीपर चला सकते हो, इसमें हमने रीपर लगाया हुआ है, मेरा किसान भाई इससे फसल की भी कटाई कर सकता है, चाहे आपको धान काटना है चाहे आपको गेहूं काटना है, जो भी आपको फसल काटनी है वो काट सकता है जी। और सामने जो है किसान साथियों आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो लाइट है वो वहाँ दिख रहा है, तो इसको सिर्फ हैंडल है उसको इधर घुमा देना है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, ये मॉडल हमने इसलिए तैयार किया हुआ है जो किसान भाई सारे काम करने के लिए जो चाहते हैं वो काम मेरा किसान भाई इसे विद रीपर भी खरीद सकता है और विदाउट जो है रीपर भी खरीद सकता है, दोनों ऑप्शन इसमें हमने दिए हुए हैं। इसमें एक चीज बताइए सर कि रीपर जैसे कि चला रहा है किसान तो कितना फ्यूल लेगा सर? ये सर 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल लेगा और लगभग 1 से 1.25 बीघा 1.5 बीघा की आपकी कटाई आसानी से कर देगा। जी सर, फिर ये अगला वाला टिलर के बारे में बताइए। ये सर हमारा अगला मॉडल आ जाता है 3 व्हीलर मेड इन इंडियन टायर के साथ में, 8 HP का ये पावर टिलर आ जाता है जी, जो कि सेल्फ स्टार्ट प्लस लाइट के साथ में मेरे किसान भाई को 4 फुट के रोटावेटर के साथ में बड़े बड़े मेड इन इंडियन टायर के साथ में आपको मिल जाता है, ये भी खेती बाड़ी के हजारों काम कर सकता है मेरे किसान साथी जी। तो उसके बाद ये वाला वेरिएंट के बारे में बताइए। ये सर हमारा आ जाता है 9 HP का मॉडल, ये भी हमारे किसान भाइयों के लिए 3 व्हीलर में और साथ के साथ मेड इन इंडियन टायर के साथ सेल्फ स्टार्ट प्लस लाइट के साथ में इमरजेंसी क्लच के साथ में, और यहाँ आपको मेरे किसान भाइयों नैनो क्लच के साथ में आपको मिल जाता है, ये भी मेरे किसान भाइयों 4 फुट की रोटावेटर के साथ आता है, इससे भी आप हजारों काम खेती के कर सकते हो। इसमें सर गियर के बारे में बताइए। इसमें सर 2 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं, एक रिवर्स गियर आपको मिल जाता है, ये 2 फॉरवर्ड गियर है, इधर आपको एक रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाता है, लॉन्ग हैंडल मिल जाता है जिससे एंटी वाइब्रेट हैंडल इन्हें बोला जाता है। जी जी, उसके बाद इसके बारे में बताइए सर। ये सर 10 HP का इंजन है हमारा, जिसमें मेरे किसान साथियों 5 फुट का रोटावेटर चलता है और इसमें बड़ा फ्यूल टैंक दिया हुआ है, ये हमारा सिंपल मॉडल है, ना आपको इसमें लाइट मिलेगी ना ही आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, ये रिकॉइल स्टार्ट रहने वाला है, मेड इन इंडियन टायर रहेंगे, इसमें भी आप 32 से 35 प्रकार के अटैचमेंट चला सकते हो, धान में कीचड़ करना है धान में कीचड़ करिए, आपको गन्ने में या कपास में घुड़ाई करनी है खरपतवार निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, आपको जुताई करनी है तो जुताई भी आप कर सकते हो, चाहे काली मिट्टी हो चाहे आपकी पथरीली मिट्टी हो चाहे आपकी चिकनी मिट्टी हो चाहे दोमट मिट्टी हो कैसी भी मिट्टी हो सारी मिट्टी में चलने वाला है, परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलने वाली सर। परफॉर्मेंस में मैं आपको हार्ड से हार्ड सॉइल में आपको चला के दिखा दूंगा, आप ये कहेंगे कि पुष्पेंद्र जी आपने क्या कमाल कर दिया,
क्या क्वालिटी है आपके पावर टिलर में? और एक चीज सर, जितने भी हम यहाँ पर अटैचमेंट देख पा रहे हैं वो सभी टिलर पर लग जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने बताया आपको कि मेरे को खुद को याद नहीं है इतने अटैचमेंट बीडर में लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा वेरिएंट दिखने को लग रहा है सर, इसके बारे में बताइए। अब तक मैंने आपको पेट्रोल मॉडल आपको दिखाया मेरे किसान साथियों, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो डीजल वेरिएंट आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा बहुत ही पॉपुलर मॉडल, ये मेरे किसान साथियों को मिल जाता है 9 HP के साथ में। ये 9 HP कामा इंजन, इसका इसमें डीजल इंजन दिया हुआ है, आप देख सकते हो इनग्रेव्ड है, मेड इन इंडियन टायर इसमें आपको मिल जाते हैं, 5 फुट का रोटावेटर इसमें मिल जाता है। और ये मेरे किसान भाइयों 3 व्हीलर में रहने वाला है और साथ के साथ ये रिकॉइल स्टार्ट भी रहेगा और साथ के साथ मेरे किसान साथियों ये सेल्फ स्टार्ट के साथ में भी रहने वाला है। मेरा किसान भाई सेल्फ से भी इसको स्टार्ट कर सकता है, जिसमें 2 फॉरवर्ड गियर 1 रिवर्स गियर और इधर इमरजेंसी वो नैनो क्लच मिल जाती है मेरे किसान भाई को। ये सर देखा हूँ कि नैनो क्लच सभी में दिया हुआ है और जो टूल बॉक्स है वो भी सब में दिया है। ये सर देखिए, हमने एडिशनल फीचर्स ऐड किए हुए हैं जो हमारे किसान भाई को आम समस्या आती है, क्योंकि गियर वगैरह कई बार स्टार्ट रहता है इंजन, तो गियर वगैरह हमारा जो है बच्चा वगैरह लगा देता है तो पावर टिलर चलने लग जाता है। अब मेरे किसान भाइयों इससे पावर टिलर नहीं चलेगा, आप जब तक जो है क्लच को नहीं दबाओगे तब तक नहीं चलने वाला है। मतलब क्वालिटी और मजबूती के साथ साथ सेफ्टी का भी बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा है सर। हमारा कोशिश होती है तभी तो हम लोग आज 8-9 महीने के अंदर अंदर मेरे किसान भाइयों के प्यार की वजह से आपके साथ खड़े हुए हैं जी। ये भी सेम लग रहा है सर, इसमें क्या अंतर है? क्या इसमें सर हॉर्स पावर का अंतर है? 10 HP में है ये, मेरे किसान भाई की डिमांड होती है कि सर हमें 10 HP 12 HP 9 HP चाहिए, तो किसान भाई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये पावर टिलर लॉन्च किए हुए हैं। ये 10 HP में आपको मिल जाता है, इसमें भी आपको सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, चाहे इसमें भी आपको 5 फुट का रोटावेटर और आप 35 प्रकार के अटैचमेंट कम से कम चला सकते हो। जी जी, ये सर ये भी कुछ सेम सा ही लग रहा है सर, इसमें ये सर पावर का डिफरेंट है मैंने आपको जी बताया जी। ये 12 HP में आपको मिल जाता है जी जी। इसमें मेरे किसान साथियों आपको 12 HP का कामा इंजन डीजल इंजन आपको मिल जाता है, 5 फुट का रोटावेटर, 2 फॉरवर्ड गियर 1 रिवर्स गियर और नैनो क्लच आपको मिल जाती है। इनमें सारे फीचर सेम है, बस ओनली फोर जो डिफरेंट है मेरे किसान भाइयों, वो डिफरेंट ये है कि आपको पावर आपको अलग अलग मिल जाती है। इसमें सर ये जो डीजल वाला है इसमें जो फ्यूल कंजप्शन है वो कितना है ये बता दीजिए। 1 घंटे में ये लगभग 5 फुट का रोटावेटर लेके चलते हैं और कम से कम ये जो जुताई करने वाले हैं लगभग 2 बीघा की 1 घंटे में जुताई कर देंगे और करीब जो है 1 लीटर या 1 लीटर से 150 ग्राम ऊपर नीचे इसकी फ्यूल खपत रहती है सर। जी जी सर, एक बार जो अटैचमेंट है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर हम प्राइस और गारंटी वारंटी की तरफ जाने वाले। सर मैं अभी आपको अटैचमेंट के बारे में बता देता हूँ। मेरे किसान साथियों आपको धान में कीचड़ करनी है तो ये आपको पडलर मिल जाते हैं, ये आपको रोटावेटर मिल जाता है, इधर आपको मेरे किसान भाइयों स्प्रे पंप मिल जाता है जो स्प्रे लगाने करने के लिए, इधर आपको पानी खींचना है तो वाटर पंप मिल जाता है, इधर आपको मिट्टी चढ़ानी है मिट्टी चढ़ा सकते हो फसलों पे, ये आपको रिज्जर नागर बोला जाता है, इधर आपको स्पाइरल व्हील मिल जाते हैं, आपको बेड बनाना है क्यारी बनानी है तो वो बना सकते हो, इधर आपको सिंगल साइड प्लाव मिल जाता है, इधर मेरे किसान भाइयों 3 टाइम कल्टीवेटर जो कि एडजस्टेबल कल्टीवेटर है वो आपको मिल जाता है, 5 टाइम चाहिए 5 टाइम भी मिल जाएगा। इधर मेरे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर ये आयरन व्हील मिल जाते हैं, किसान भाई जैसे इसको चलाना चाहे वैसे चला सकता है। तो ये सारे अटैचमेंट जितने भी पावर टिलर में हम देखे वहाँ फिट हो जाता है सर जी? देखिए ये तो छोटे से अटैचमेंट है जब खेत में हम आए हुए हैं, पूरे अटैचमेंट लेके नहीं आया और यदि मैं लेके आऊं तो शायद एक पूरी ट्रॉली भर के आ सकती है इसकी। जी जी वो दिख ही रहा है सर। जी जी तो सर इसमें हमको आप गारंटी के बारे में बताइए कि गारंटी वारंटी क्या देते हैं सर? 1 साल की गारंटी रहेगी और साथ के साथ मेरे किसान भाइयों गारंटी के साथ 1 साल तक गारंटी जो मिलेगी मिलेगी जी और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपको डिलीवरी आपके नजदीकी ट्रांसपोर्ट तक फ्री रहने वाली है मेरे किसान भाइयों। जी जी तो सर इसमें अब हमें जो प्राइस है वह एक एक करके बताते चलिए सर। बात करूं मेरे किसान भाइयों, मैंने आपसे वादा किया था जी जी कि आपको 12-12 हजार रुपए में आपको पावर टिलर देने वाला हूं। जी तो जी ये मेरा 2 HP का आपको 12.5 हजार मिलने वाला है जी जी। 3 HP का 25 हजार रुपए में मिलने वाला है जी जी। 4 HP का 30 हजार मिलने वाला है जी जी। और ये हमारा विदाउट गियर 5.5 HP का आपको 32 हजार मिलने वाला है। इधर आपको गियर ड्राइव प्लस 4 व्हील ड्राइव और मेरे किसान भाई 2 रोटावेटर के साथ में ये आपको मिलने वाला है जी जी। मात्र और मात्र 37 हजार में। इधर आ जाता है हमारा
माइक्रो बीडर 7.5 HP का, मेरे किसान भाइयों इसकी कीमत की बात करूँ ये 38,000 मिल जाता है। ये आ जाता है हमारा 7.5 HP का सिंपल मॉडल, ये आ जाता है 38,000 रुपए में मेरे किसान भाइयों को मिल जाता है। अगला हमारा ये येलो कलर में 4 फुट के रोटावेटर के साथ में आता है, ये विदाउट लाइट और लाइट में जो ये 40,000 का विदाउट लाइट में मिल जाता है, और लाइट के साथ में लेते हो तो 42,000 का आपको मिल जाता है। बात करूं अगले मॉडल के बारे में मेरे किसान साथियों, ये 7.5 HP का सेल्फ स्टार्ट प्लस लाइट मॉडल है, इसमें मेरे किसान भाइयों आपको जो है 52,000 रुपए का आपको मिल जाता है। और यदि मेरा किसान भाई रीपर भी साथ लेना चाहता है तो मेरे किसान भाइयों ये 1 लाख रुपए में आपको मिलने वाला है विद रीपर आपको मेरे किसान साथियों। अगला मॉडल आता है 8 HP का, इसकी प्राइस की बात करूं तो 55,000 रुपए मेरे किसान साथियों। अगला मॉडल आता है हमारा 9 HP का, इसकी कीमत की बात करूं तो 68,000 रुपए मेरे किसान भाइयों। अगला हमारा मॉडल आता है 10 HP का, इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी जो कीमत रहने वाली है मेरे किसान साथियों 72,000 रुपए रहने वाली है। इधर आ जाता है हमारा डीजल मॉडल 9 HP, इसकी कीमत की बात करूं तो मेरे किसान भाइयों 80,000 रुपए रहने वाली है। इधर हमारा आ जाता है 10 HP डीजल मॉडल प्लस सेल्फ स्टार्ट, इसकी कीमत की बात करूं तो मेरे किसान साथियों इसकी जो कीमत रहने वाली है वो रहने वाली है 90,000। अगला हमारा 12 HP का मॉडल आ जाता है, इसकी कीमत की बात करूं तो ये 1,05,000 रुपए में मेरे किसान भाइयों को मिलने वाला है। तो सर जैसे कि आपने हमें सभी जो टिलर है उसके प्राइस के बारे में जानकारी दी, और साथ में यह भी कहा कि आप भारत के कोई भी कोने से हो जो टिलर है वह आप तक पहुंच जाएगा, तो खरीदने का प्रोसेस सारा क्या रहता है सर? खरीदने का प्रोसेस बहुत ईजी है, हमारी कंपनी है नियर बाई कृषि उपज मंडी नदवई भरतपुर राजस्थान के अंदर, आप लोग बाई बस बाई ट्रेन आ सकते हैं, और जो किसान भाई नहीं आ सकते उनके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए पूरी जानकारी लीजिए, और जब आप संतुष्ट हो जाए तो मेरे किसान साथियों इसकी जो आपको बुकिंग चार्ज है इन पावर टिलर का अलग अलग है, आप अपने हमारे स्टाफ से पूछ के आप बुकिंग चार्ज पेमेंट कर सकते हो, आपकी बुकिंग हो जाएगी, बाकी का पेमेंट 7-8 दिन में जब डिलीवरी होगी तब मेरे किसान भाइयों आपको करना है।